ब्राह्मण को वोट भी देना बंद कर दे तो देश की अर्थव्यवस्था देश बदल जाएगा। मनुवाद को बहुत बड़ा झटका लगेगा कि एक ब्राह्मण को मैं वोट ही नहीं देता चाहे किसी भी पार्टी में। जब तक हम क्रिमिनल्स की नजर से ट्रीट नहीं करेंगे ये लोग नहीं सुधर को जेल नहीं जाएगा। इसी को कदम में झूठा मुकदमा शेड्यूल कास्ट कमेटी के व्यक्ति के ऊपर कराने का SC ST एक्ट की धारा 3 में प्रावधान है। जब तक ये सब लोग उसमें जेल नहीं जाएंगे ये नहीं सुधरेंगे। डॉक्टर ऋतु के केस में जिस प्रिंसिपल ने जिस रजिस्ट्रार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी ने झूठे डॉक्यूमेंट बनाए हैं और कमीशन में पेश किए हैं जब तक वो जेल नहीं जाएंगे जब तक बाकी लोगों को पकड़ नहीं आएगी और जब वो जेल जाने लगे तब न्याय और अन्याय से फर्क उनको समझ में आ जाएगा। धार्मिक कुमार झूठा मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करके छल और कपट से आज फिर मनुवादियों ने जैसे उस समय अशोक सम्राट के वंशज ने सत्ता छीनी थी आज फिर उसी धोखे छल कपट से दोबारा मनुवादी सत्ता में आ गए। हटाएंगे कौन? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से एक वोट की ताकत हर एक व्यक्ति को दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि हम में से हर एक देश का बराबर का मालिक है। जल जमीन और आसमान समुद्र के नीचे और आसमान तक जो भी कुछ है भारत की जमीन उसका हर एक इंसान बराबर का मालिक है। आप लोग देश के सभी हिस्सों से आए हुए हैं। एक ऐसा संदेश पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में ले जा सकता है कि इस देश में सिर्फ दो पक्ष हैं, तीसरा कोई पक्ष नहीं है। एक पक्ष है मनुवाद यानी मनुस्थिति से ये देश चलना चाहिए। दूसरा पक्ष है अंबेडकरवाद यानी ये देश संविधान से चलना चाहिए। मनुस्थिति वाले लोग चाहते हैं कि इंसान इंसान के बराबर ना रहे जैसा पहले होता था। अंबेडकरवादी संविधानवादी चाहते हैं कि इंसान इंसान के बराबर है था और रहेगा। ये बुनियादी फर्क है। इसके अलावा किसी डिबेट किसी डिस्कशन में मेरे ख्याल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर दो पक्ष होते हैं एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो जाहिर बात है आपस में एक युद्ध तो होता ही है। युद्ध में सेनाएं होती हैं और सेनाओं की ताकत होती है। मनुवादियों की ताकत क्या है? छल कपट झूठ धोखा छलावा भ्रष्टाचार बेईमानी। हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत इससे कहीं ज्यादा है। हमारी ताकत पहली है सच और दूसरी है हमारे नंबर्स। हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटीज और महिलाएं मिला के इस देश में 92% तो कम से कम है ही। सही बात है ना ये? और हमारे साथ सच है। फिर भी हम लोग नाकाम क्यों है उसकी एक ही वजह है और वो है हमारी लीडरशिप की बुजदिली, हमारी लीडरशिप की कायरता और कायरता की बुनियाद पर जो हमारी स्ट्रेटेजी बनती है वो ठीक नहीं बनती। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। वरना इस देश में एक भी मनुवादी एक भी चैन की सांस नहीं ले सकता। आज बहुत ऐतिहासिक समय है और मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि जुल्म और ज्यादति की मनुवादियों ने इंतहा कर दी है। जो इंतहा सम्राट अशोक के जो वंशज थे उन्हें झूठ धोखा और कपट से हटाकर मनुवादियों ने अपनी सरकार बनाई थी। आज भी वही टाइम है EVM के जरिए ये धार्मिक उन्माद
झूठा मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करके छल कपट से आज फिर मनुवादियों ने जैसे उस समय अशोक सम्राट के वंशजों ने सत्ता छीनी थी, आज फिर उसी धोखे छल कपट से दोबारा मनुवादी सत्ता में आ गए हैं, तो इन्हें हटाएंगे कौन? अंबेडकर वादी, इनको इनकी सही जगह सभी को जेलों में कौन पहुंचाएंगे? अंबेडकर वादी। लेकिन उसके लिए अब करना क्या है? पहले हमें समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है हमारे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से एक वोट की ताकत हर एक व्यक्ति को दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि हम में से हर एक इस देश का बराबर का मालिक है। जल, जमीन और आसमान, समुद्र के नीचे और आसमान तक जो भी कुछ है भारत की धरती पर, उसका हर एक इंसान बराबर का मालिक है। और आज हो क्या रहा है? कुछ मुट्ठी भर लोगों ने 75% से ज्यादा देश की संपदा अपने कब्जे में कर ली, और यही सबसे बड़ी देश का दुर्भाग्य है जो हो रहा है। इसको खत्म करना है, उसके लिए संविधान को इंप्लीमेंट करना जरूरी है। अगर हम सिर्फ संविधान ही इंप्लीमेंट कर लेंगे सब मिलकर, तो मैं समझता हूं ज्यादातर हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी। संविधान को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था से आता हूं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता हूं, अब पता नहीं कैसे ऑफिसर आजकल हम वकील साहब भी रह गए सब, लेकिन जो भी है तो है ही। तो सबसे पहले मैं जुडिशरी के बारे में बताता हूं। बाबा साहब के संविधान के हिसाब से हमारे देश में चार प्रकार के नौकर हैं, जो हम जो देश के मालिक हैं, वी द पीपल की सेवा करने के लिए हैं। उसमें सबसे पहले तो इलेक्टेड पुलिस लीडरशिप आती है, उसके बाद जो हमारी ब्यूरोक्रेसी आती है, उसके बाद प्रेस आती है, और एक जो आखिरी जिसका मैं भी एक हिस्सा हूं, जुडिशरी आती है। ये सब जनता के नौकर हैं। पहले तो आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए और उसको असर्व करना आना चाहिए। जजेस भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो चाहे आपके, हमारे सबके नौकर हैं। क्या हम उन्हें नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं? नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। मैं अपना विषय जो है जुडिशियरी पे ज्यादा रखना चाहता हूं आज। क्या जो हमारी जिम्मेदारी है, ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट यह है कि हर एक इंसान जाके कोर्ट में देखे कि ये जज साहब जो है ये ईमानदारी से फैसले कर रहे हैं या बेईमानी से। यही है ना ओपन कोर्ट का फैसला या जो कॉन्सेप्ट है। क्या हम, और अगर वो बेईमानी से काम कर रहे हैं जजेस, तो उसको क्रिटिसाइज करना देश के हर एक नागरिक का फर्ज बनता है या नहीं बनता? हम लोग कितनी जजमेंट्स को क्रिटिसाइज करते हैं आज खुले मंचों से? एक भी नहीं। ये है हमारी एक सबसे बड़ी कमियों में से एक कमी। ये कोलिजियम सिस्टम वगैरह तो बात की बात है, अगर हम सब खड़े होके जजमेंट्स को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे, जो हमारा अधिकार है, तभी बहुत सुधार हो जाएगा। असली सुधार तो तभी आएगा जब हमारी सरकार होगी, SC ST OBC और माइनॉरिटी अंबेडकर वादियों की सरकार होगी, तभी आएगा। लेकिन उससे पहले हमें जुडिशियल सिस्टम पे हमारे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके लिए सबसे पहला काम यह है कि जजेस का जायज क्रिटिसिज्म, जो इंटेलेक्चुअल क्रिटिसिज्म है, बहुत ही मुखर रूप से करना शुरू हमें करना चाहिए। ऐसा मैं आह्वान करता हूं, हर एक जजमेंट को हमें क्रिटिसाइज करने की क्षमता होनी चाहिए। हम बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स से बहुत सारी बातें करते हैं, जजेस पे भी उसी तरीके की टिप्पणियां बहुत जरूरी है, उनकी जजमेंट पे ऐसी टिप्पणियां बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के इतिहास में, भारत वर्ष के इतिहास में भी गौतम साहब ने समझाया, आजाद भारत वर्ष के इतिहास में एक भी जजमेंट में पहले से चैलेंज करके बात बोलता हूं, SC ST OBC माइनॉरिटीज या महिलाओं के हक में एक जजमेंट किसी भी हाई कोर्ट से, बहुत रिसर्च कर रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट से पूर्ण रूप से उनको उनके अधिकार देने की
आ जाए, कोई मुझे दिखा दे एक चश्मा तो मैं वगैरह छोड़ दू। ये है देश की सच्चाई। एक भी पूर्ण न्याय करने की जजमेंट नहीं आई है। बहुत सारी जजमेंट जो थोड़ा बहुत न्याय करने की आई है उनके ऊपर कोई अमल नहीं करता, जीरो अमल होता है, जीरो। और हम जजेस का क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। तो ये अपने मन से जो है ना, जो हमारी खुद की बनाई हुई बंदिशें हैं वो निकालना बहुत जरूरी है। जजेस भी हमारे सेवक हैं, नौकर हैं हमारे, लीड द पीपल। तो मेरे सामने यहां डॉक्टर रितु सिंह बैठी है। डॉक्टर रुद्रराज जी बहुत अच्छे से इस केस को जानते हैं। प्रोफेसर रतनलाल साहब अभी आप उनसे पहले बोल चुके हैं, तो उन्होंने कुछ बताया इस बारे में। मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़कर बताना चाहता हूं। जो इस कॉलेज की प्रिंसिपल है बोलेंगे लोग के ये सब जूनिस बेटर है, सब जूनिस कुछ नहीं होगा। हम कोई कोर्ट के फैसलों को तोड़ने मरोड़ने की या उनको इन्फ्लुएंस करने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। और हमारी हैसियत ही क्या है जो हम इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? इन्फ्लुएंस तो मनुवादी कर रहे हैं, क्योंकि उसी समाज के लोग जुडिशरी में 90% से ज्यादा बैठे हैं। हम लोग इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकते, तो हमें टिप्पणी करना नितांत आवश्यक। डॉक्टर रितु के केस एक प्रिंसिपल है दिल देश के अहनास कॉलेज की, दौलतराम कॉलेज की, तथ्यों पर बोल रहा हूं। डॉक्टर रितु यंग एज में वहां सबसे अच्छी प्रोफेसर मिल गई, तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। ये तो हम एक्सपोज करेंगे, ये देश की सच्चाई है। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कह रही है तो ये तो इसको आप किसी तरह से हटा नहीं सकते। पढ़ाने लिखाने में सबसे अच्छी है, इसकी क्लास में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इसे लाइक करते हैं। हटाएं कैसे? तो डॉक्यूमेंट फोर्स करती है प्रिंसिपल दौलतराम कॉलेज की, जो देश के सबसे बड़े कॉलेजों में से एक आता है, यूनिवर्सिटी की। स्टूडेंट्स के नाम पर डॉक्यूमेंट फोर्स करते हैं इनको हटाने के लिए, और हटाती है डॉक्यूमेंट फोर्स करके, और ये हाईकोर्ट जाती है। हाईकोर्ट इस बात की संज्ञान नहीं लेता। डिविजन बेंच में जाती है, डिविजन बेंच इस बात की संज्ञान नहीं लेता। टेक्निकल इश्यूज पे उड़ाते हैं कि ये बात हम सुनेंगे ही नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की एक नहीं दसियों जजमेंट ये बात को कहती है कि सारे कोर्ट्स की एग्जिस्टेंस यानी तो उनके अस्तित्व इसलिए है कि वो सच की तलाश करें। न्याय का मतलब क्या है? सच की तलाश करके उसको इंप्लीमेंट करना। तो डॉक्टर रितु का वो फोर्ज फर्जी डॉक्यूमेंट पे हटाया जाना दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज ने नहीं देखा, दिल्ली हाईकोर्ट के डिविजन बेंच ने नहीं देखा। फिर डॉक्टर रितु जाती हैं अपनी कंप्लेंट करने FIR, क्योंकि इनको उससे पहले लीगल एडवाइस नहीं थी कि इनके साथ जो ये हुआ है SC ST एक्ट में एट्रोसिटी है। जब प्रॉपर लीगल एडवाइस मिली, मैं नहीं बताना चाहता किस वकील ने, तो फिर ये कोर्ट जाती है, मतलब पुलिस स्टेशन जाती है FIR दर्ज कराने। तो पुलिस वाला तो क्यों FIR दर्ज करेगा? दौलतराम कॉलेज तो वहां से मेरे ख्याल से 50 मीटर की दूरी पर नहीं, बराबर नहीं है। और एक को बताती है, मैं भूमिहार कमेटी से कम्युनिटी से आती हूँ जिसकी रणवीर सेना है, और रणवीर सेना ने क्या किया वो समझ लो, मैं भी वही करूँ। ये ओपनली बोलती है, रणवीर सेना की धमकी देती है, तो पुलिस वाले ने FIR की। ये DCP के पास जाती है, DCP ने इनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। ये कोर्ट जाती है SC ST का स्पेशल कोर्ट जो बनाई थी देखभाल के लिए, इनकी देखभाल के लिए, जिसकी यूटियां लगी हुई है फर्स्ट इससे रजिस्ट्रेशन SC ST एक्ट मेंशन ऑफ एड्रेस। वो इनकी पिटीशन प्राप्त देख लेते हैं, फिर FIR लड़ी होती है। वो जैसे भी हुई इसमें मैं नहीं जाना चाहता, वो मैं भी बताऊंगा, वैसे वो जनरली बताऊंगा। जब FIR दर्ज होती है तो इनकी एक एक बात सच साबित होती है कि हाँ वो स्टूडेंट ही नहीं है, वो स्टूडेंट ही नहीं है जिन्होंने वो साइन किया। तो कितना बड़ा अन्याय इस हाईकोर्ट लेवल की डिविजन बेंच से होके नजरों से चला गया और कोई ध्यान नहीं, और हम जिसकी क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर रतनलाल का केस, डॉक्टर रतनलाल के ऊपर जो केस बना वो केस ही नहीं बनता, बन ही नहीं सकता। FIR दर्ज नहीं हो सकती इनके खिलाफ, और जिन धाराओं में FIR दर्ज की है
अरेस्ट नहीं हो सकते अवनेश कुमार की एक जजमेंट है 7 साल में 25,000 ठीक है कर लिया अरेस्ट उठा लिया गुंडागर्दी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सभी जजेस ये सभी पुलिस अधिकारी ये सरकारी अधिकारी क्रिमिनल्स हैं। क्रिमिनल का मतलब क्या होता है जो कानून तोड़ता है ये क्रिमिनल्स हैं। जब तक हम इन्हें क्रिमिनल्स की नजर से ट्रीट नहीं करेंगे ये लोग नहीं सुधरेंगे। चाहे वो डॉक्टर रतनलाल का केस हो वह हरेक पुलिस ऑफिसर जिन्होंने इनके खिलाफ ये केस बनाया वो जेल जाएगा जब तक नहीं जाएगा ये अन्याय होते रहेंगे। वो हरेक उसके पीछे बैठा पॉलिटिकल लीडर जिसने ये झूठा केस डॉक्टर रतनलाल ने कराया जब तक वो जेल नहीं जाएगा इसी मुकदमे में झूठा मुकदमा शेड्यूल कास्ट कमेटी के व्यक्ति के ऊपर कराने का SC ST एक्ट की धारा 3 में प्रावधान है। जब तक ये सब लोग उसमें जेल नहीं जाएंगे ये नहीं सुधरेंगे। डॉक्टर ऋतु के केस में जिस प्रिंसिपल ने जिस रजिस्ट्रार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये झूठे डॉक्यूमेंट बनाए हैं और SC कमीशन में पेश किए हैं जब तक वो जेल नहीं जाएंगे जब तक बाकी लोगों को अकल नहीं आएगी और जब वो जेल जाना शुरू होंगे तब न्याय और अन्याय में फर्क उनको समझ में आ जाएगा और ये अन्याय कब बंद होंगे और ये अदालतों से नहीं होने वाला है। मैं ये साफ बोल रहा हूँ हम लोगों को जो मेरा सक्सेस रेट है SC ST और माइनॉरिटीज के केसेस में पूरे देश में और मैं पूरी बात कहनी भी चाहिए मैं फिर इसलिए मजबूरी में कह रहा हूँ बात मेरा सक्सेस रेट आज तक के सभी केसेस में 100% है। आप लोगों को इसलिए कि इस हालात में भी ये नामुमकिन नहीं है लेकिन ये हमारा 100% सक्सेस रेट जो है ये 20% सॉल्यूशन है सिर्फ 80% सॉल्यूशन है। हम लोग सड़क पर उतरे और पीसफुल प्रोटेस्ट करें वरना हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो मेरा यही निवेदन था कहने को तो मन में बहुत बातें हैं लेकिन क्योंकि ओमसुधा जी ने मुझसे ये आदेश दिया कि जुडिशरी पे बोलना जरूरी है लोग सुनना चाहते हैं तो जुडिशरी पे मैंने बोला है। जुडिशरी में और 4 सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुके हैं मैं मेरे बोलने की जरूरत पड़ा है और उनमें से तो एक ही जो मनुवादी व्यवस्था से नहीं आते शायद एक ही कहीं से बाकी तो सब अनुवादी व्यवस्था से आते थे और उनके दिल में भी अगर इतनी पीस थी तो आप समझ सकते हो असली हालत क्या कि सुप्रीम कोर्ट पे दबाव है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 सिटिंग जजेस ने बोला अब मुझे इसके बाद कुछ बोलने की जरूरत है। रंजन गोगोई साहब जिनको और उन्होंने आह्वान किया था पब्लिक से आओ और आप हमारी रक्षा करो नहीं किया हमने तो अंजाम हुआ बाबरी मस्जिद की जजमेंट अंजाम हुआ राफेल की जजमेंट और अंजाम हुआ हमें राज्यसभा मिल गई वो रास्ता डिफिकल्ट था आसान रास्ता पकड़ लिया हमने तो हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। सबसे अहम बातें मैं तो कहता हूँ 2 जगह प्रोटेस्ट होने चाहिए एक तो अडानी अंबानी के घरों के बाहर जो इस सरकार के असली मालिक हैं मोदी जी के हमारे असली मालिक कौन हैं नागपुर में तो बैठे ही हैं लेकिन उनसे भी बड़े अडानी अंबानी और 5-7 लोग तो प्रोटेस्ट वहां होना चाहिए और दूसरा प्रोटेस्ट होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट और सभी अदालतों के पास। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं प्रोटेस्ट का मतलब यह है कि जनता तुम्हारे साथ खड़ी है मत डरो इन अडानी अंबानी की सरकार से मत डरो RSS की सरकार से मत डरो मोदी और जो अमित शाह साहब हैं उनके जो अत्याचार हैं हम तुम्हारे साथ खड़े देखो इससे भी फायदा होगा और न्याय व्यवस्था में बहुत सुधार आएगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर हर एक हाई कोर्ट के बाहर सुप्रीम कोर्ट के बाद जब हम प्रदर्शन करना शुरू करेंगे इस व्यवस्था में थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा वो हमारे आगे आने वाले कामों में या हमें चुनाव में जो हमारी सक्सेस होनी चाहिए इसमें भी काम आएगा। तो मेरी और देख मैं डॉक्टर रविंद्र राज की एक और एग्जाम्पल देकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं मैं भी कांग्रेस पार्टी में अंदर बाहर सब जानता हूं मैंने
बहुत सारा काम किया है और अंदर रह के काम किया है हाईकमांड के अंदर। ये जब तक अपना दिमाग ठीक नहीं करेंगे ना, डॉक्टर रोहित राज के मन से नहीं बोलनी चाहिए, अब पता नहीं ना फायदा होगा या नुकसान, तो नहीं जाता, लेकिन मैं सच बोलने के लिए जाना चाहता हूँ, सच जरूर बोलूं। डॉक्टर रोहित राज को, इतनी बड़ी शख्सियत को एक्सेल का चेयरमैन बना रखा है, ये पार्टी इलेक्शन जीतेगी नहीं जीतेगी अंजाम वही होगा जो एक कारनामे कर रहे हैं। जब तक अपनी मनोवाली मानसिकता ये सभी ऑपोजिशन की पार्टियां नहीं छोड़ेंगी, कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर अजित राज का ये प्रयोग है जो ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी नहीं, वो तो मैं नहीं कह रहा, अभी इतना भी एकदम सपने नहीं लेने चाहिए, अब कांग्रेस को 350 सीटें थोड़ी चाहिए। अच्छा मैं ये कह रहा था, तो किस किस को जनरल सेक्रेटरी बना रखा है जो कांग्रेस हाईकमांड में, और ये बात सभी पार्टियों के लिए सही है क्योंकि यहाँ मैं हूँ इसलिए बता रहा हूँ, जो चारों तरफ लोग बैठे हैं ना वो डायरेक्ट टच में है आरएसएस के नागपुर के हेडक्वार्टर से, जिसको सबूत चाहिए मेरे पास आ जाए, मैं एक्सपर्ट हूँ नागपुर से। तो डॉक्टर उदित राज को तो इतनी, अब उदित राज साहब क्या कर रहे हैं, ये है बड़ी बड़ी पार्टियों के फेलियर की वजह, लेकिन वो खुश है क्योंकि उनके चारों तरफ जो लोग हैं उनको समझा रहे हैं डिफॉल्ट जीत जाओ, बीजेपी इतनी अनपॉपुलर हो जाएगी सडनली पता नहीं कैसे कि ईवीएम का भी असर खत्म हो जाएगा, और ये जो देश में हिंसा का माहौल बनाते हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि ये सब आरएसएस वाले पाकिस्तान और चाइनीज जो वहां की एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ मिल के देश का इकट्ठा करता है जान। तो जब ऐसा ऐसा है तो डॉक्टर उदित राज कोई अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो अपोजिशन पार्टियां जिन्हें निग्लेक्ट करती है और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की ये सारे जो गंदे कारनामे हैं, जो आरएसएस और मनुवादियों के गंदे कारनामे हैं वो कामयाब हो गए। तो मुझे बस और ज्यादा कुछ नहीं कहना है, कुछ गलती हुई तो माफी भी चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन ये मेरे मन की भावना है। हाँ एक बात मैं और भूल गया कि हमें फाइनेंशियल डिपेंडेंस अपनी करनी चाहिए, अपने लोगों के साथ ही बिजनेस करना चाहिए। yes. और ये हमें सिखाते हैं ना, चलो इनके इनसे एक बात तो सीख लें, ये बहिष्कार सिखा रहा है कि मुसलमानों के साथ कोई व्यापार नहीं करना चाहिए। अगर इनकी बात सीख के हम ये कहें कि हमें ब्राह्मणों के साथ कोई व्यापार नहीं करना चाहिए, yes, अपना yes. बैंक बनाना चाहिए, अभी गौतम साहब यहाँ बैठे हैं और ये जी बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने लॉर्ड बुद्धा बैंक बनाया है, भंते जी भी यहाँ बैठे हैं, तो उसमें पैसे जमा क्यों ना करें, हमारे पैसे हमारे के लिए इस्तेमाल करें। हमारे लोगों ने गुजरात में भी हमारे एक साथी हैं, उन्होंने एक वो बनाया बहुत बड़ा जो ये अमेजन टाइप एक सर्विस सेंटर बनाया है, मॉल बनाया है, तो उन सब लोगों के साथ ही व्यापार करें, इनका बहिष्कार करें। मैं तो ये कहता हूँ एक भी ब्राह्मण को अगर आप वोट देना ही बंद कर दें, एससी एसटी ओबीसी चलिए बाद में हमारी जो लड़ाई लड़ते रहेंगे, ब्राह्मण को वोट ही देना बंद कर दें तो देश की अर्थव्यवस्था देश बदल जाएगा, मनुवाद को बहुत बड़ा झटका लगेगा कि एक भी ब्राह्मण को हमें वोट ही नहीं देना चाहे किसी भी पार्टी से, इतना और एक आर्थिक बहिष्कार जो ये हमें सिखाया है मुसलमानों के लिए वही इनके साथ कर लें, क्योंकि भाई हमें ऐसा लगता है हमारे जो अम्बेडकरवादी हैं कि हमारे साथ अत्याचार जो है ये मनुवादी ने ब्राह्मण ने किया तो हम इनका बहिष्कार कर सकते, ये दो चीजें कर ले हम तो देश में बहुत सुधार आती है। बस इसी बातों के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे अपने पेशेंटली और पीसफुली सुना, कुछ तारीफ भी की और कुछ अगर मन में बुराई होगी तो उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जय भीम।